नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप पांडे होम्योपैथिक चिकित्सक। करीब 20 वर्ष का होम्योपैथिक चिकित्सा का अनुभव मुझको प्राप्त है। मैंने होम्योपैथिक में स्किन डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और ऑन्कोलॉजी में भी। लगभग सभी तरह के मरीजों को अभी तक मैंने इलाज दिया है और इस वर्तमान महामारी के संकट में ये अपने लोगों को और तमाम मरीजों को ये संदेश देना चाहूँगा कि होम्योपैथी में इस महामारी के संकट से उबारने की क्षमता है। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, यदि आप विश्वास करेंगे तो होम्योपैथी से आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सर, लोग वैक्सीनेशन लेने से भी डर रहे हैं, उनको लगता है कि वैक्सीनेशन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीनेशन तो लेना चाहिए। वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि बेनिफिट कितना है। तो बेनिफिट 99.9% अगर बेनिफिट है, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट को ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का बड़ा उपक्रम है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो वैक्सीन एक बहुत बड़ा हथियार हमारे लिए साबित होगा और वैक्सीन जरूर सबको लगवाना चाहिए। वैक्सीन से फ़ायदे हैं, और ये भी बता दूं कि वैक्सीन और होम्योपैथी लगभग एक जैसे सिद्धांत हैं। होम्योपैथिक दवाइयां भी शरीर में जाकर के इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, इससे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता आती है और रोगों को हम हरा देते हैं। वैक्सीन भी यही करती है कि वो इम्यूनिटी विकसित करती है। तो एज ए होम्योपैथ मैं तो कहूँगा कि वैक्सीन सब लोग लगवाएं, वैक्सीन होम्योपैथी जैसा ही है। थैंक यू सर।